हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो नीश ब्लॉगिंग के बारे में। माइक्रो नीश ब्लॉगिंग क्या है, कैसे आप कम मेहनत में एक अच्छा खासा ट्रैफिक और अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं माइक्रो नीश ब्लॉगिंग से। माइक्रो नीश ब्लॉगिंग की खासियत ही ये है, अगर आप उसमें एक अच्छा सा जो है प्रॉफिटेबल नीश ढूंढ लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अदर नीश। यानी कि मेहनत पूरी है, मेहनत आपको पूरा 100% देना है, लेकिन कम मेहनत यानी कि 2 से 3 महीने की मेहनत में आप उस वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर उससे अर्न कर सकते हैं, अगर आपने एक लो कंपटीशन वाला माइक्रो नीच ढूंढ लिया और उस पर आपने 3 से 4 महीने काम करा, तो आई एम गारंटीड कि आप उससे जो है मिलियंस ऑफ ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर और जो है थाउजेंड ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हैं पर मंथ। तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपको एक केस स्टडी बताने वाला हूँ कि एक ऐसा माइक्रो नीच, और यहाँ पर मैं आपको इस माइक्रो नीच से आपको आइडिया भी देने वाला हूँ क्योंकि ये इवेंट अभी चल ही रहा है। ये एक ऐसा माइक्रो नीच है जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है आने वाले 1 से 1.5 महीने में, तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो इस पर आप भी काम कर सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, मैं नहीं तो कोई और आपको यहाँ पर 100% आंसर कर देगा। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक को फॉलो करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बैक टू टॉपिक, बात करते हैं माइक्रो नीश ब्लॉगिंग की। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक कर जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो माइक्रो नीश ब्लॉगिंग के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो नीश ब्लॉगिंग होता क्या है। माइक्रो नीश ब्लॉगिंग मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका जो पूरा ब्लॉग है उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अब एक मैं मान लेता हूँ जियो, जैसे आपने एक ब्लॉग बनाया है उसमें सिर्फ जियो के बारे में ही पूरी डिटेल है, जियो से हट के कुछ भी नहीं है, तो वो एक माइक्रो नीश ब्लॉग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी यूज़र आएगा तो उसे सिर्फ जियो से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलनी होगी। अगर इसके भी अंदर और अंदर हम चले जाएं और माइक्रो नीश, तो जैसे कि जियो डीटीएच, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक जियो का ब्लॉग है तो उसमें जियो से के फ़ोन से रिलेटेड भी होगी, जियो के रिचार्ज प्लान से रिलेटेड भी होगा। अब उसके अंदर अगर सिर्फ जियो डीटीएच के ऊपर आ जाती है तो वो उसके अंदर भी माइक्रो नीश हो गया और वो और जल्दी रैंक होगा। तो माइक्रो नीश की यही खासियत होती है कि कम मेहनत में जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है, जल्दी उस पर ट्रैफिक आने लग जाता है और जल्दी से जल्दी आप उसे थाउजेंड ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैं एक वेबसाइट की केस स्टडी लेके आया हूँ, उसका मैं पूरा दिखाऊंगा, उसका ट्रैफिक कितना है, कितने महीने पहले वो वेबसाइट बनी है, कितने उसमें पोस्ट लिखे हुए हैं, कितने आर्टिकल हैं और कितना ट्रैफिक आया है 3 से 4 महीने बाद उस वेबसाइट पर, तो वो सब आपको इस में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये इवेंट बहुत बढ़िया है, अभी अगर आप काम करने चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आज 29 तारीख है, आज से ही बिग बॉस 13 जो है हिंदी वो आने वाला है टीवी पर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिग बॉस जो है एक इवेंट 1.5 से 2 महीने तक चलने वाला है और फ्यूचर में भी इसके सर्चेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। अब देखो, मैं अभी कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक वेबसाइट मिली, ये है बिग बॉस tvshow.com, ठीक है। अब ये एक बिल्कुल माइक्रो नीश ब्लॉग है, यहाँ पर इसने बिग बॉस, सिर्फ बिग बॉस और बिग बॉस को जो है टारगेट करके अपने पोस्ट लिखे हुए हैं। अब इसमें इन्होंने क्या करा है कि सारे बिग बॉस को कवर कर लिया है, चाहे वो बिग बॉस हिंदी हो, बिग बॉस तेलुगू हो, बिग बॉस तमिल हो, बिग बॉस मराठी हो, बिग बॉस मलयालम हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने पूरे जो है बिग बॉस के सारे बिग बॉस का कवर कर लिया। अब इसके अंदर आप एक माइक्रो नीश भी डाल सकते हैं, इसके अंदर भी अब आप एक पर्टिकुलर बिग बॉस पर भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिग बॉस हिंदी को लेके भी आप एक ब्लॉग बना सकते हैं, क्योंकि आज है 29 तारीख, आज से रिलीज़ हो रहा है, तो अब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बिग बॉस के ऊपर, और सर्चेज आप देखोगे मिलियंस में सर्चेज हैं और कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा लो है, तो आप ईजिली इस पर रैंक करवा सकते हैं अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे प्रोसेस के साथ काम करते हैं, तो आप इजीली यहां पर रैंक करवा सकते हैं। अब देखो, इनकी ये वेबसाइट है bigbosstvshow.com, ठीक है। अब इसका मैं आपको पहले चलो DA PA दिखा देता हूं। इस वेबसाइट का देख लो, PA 28 है, DA 22 है, कुछ ज़्यादा बड़ा DA नहीं है, स्पैम स्कोर 1% है। अब अगर इसका मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊं, यहां पर देखो, मार्च में ट्रैफिक कुछ भी नहीं था, अप्रैल में कुछ भी नहीं था, मई में कुछ भी नहीं था, जून से ट्रैफिक बूस्ट हुआ, जून से सीधा देखो, जून में ट्रैफिक था यहां पर 69,000, यानी कि ऑलमोस्ट 70,000 के पास ट्रैफिक था, और जैसे ही जुलाई में ये जो है वेबसाइट रैंक करने लग गई, जुलाई में ये देखो
69,000 से ट्रैफिक गया यहाँ पर, 1.1 मिलियन व्यूज। उसके बाद अगर अगस्त में भी देखें तो अगस्त में 842 की, यानी कि 8 लाख से भी ज़्यादा ट्रैफिक है। अब यहाँ पर देखो, इसके मंथली विजिट 8,42,000 हैं, मंथली व्यूज़ 1.35 मिलियन, डेली का ट्रैफिक यहाँ पर है 28,000। यहाँ पर लोगों की वेबसाइट पर महीने महीने का 28,000 नहीं आता, इस पर डेली का 28,000 ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर माइक्रोनिश ब्लॉग पे आप काम करते हैं तो शुरू में आप ये मत सोचो कि मैं एक महीने में काम करूंगा, एक महीने बाद। हर वेबसाइट को, एक नई वेबसाइट को आप मान के चलो, चाहे माइक्रोनिश ब्लॉग भी है, अगर आप मेहनत करते हो तो 2 से 3 महीने तो लगते ही लगते हैं, कहीं नहीं जाते। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं एसईओ में तो भी आप मान के चलो 1 महीना आपको लगने ही लगने वाला है उसे रैंक कराने में। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आज पोस्ट लिखूंगा कल वो रैंक होने लग जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि ब्लॉगिंग में पेशेंस और हार्डवर्क बिल्कुल चाहिए। तो ये आप मान के चलो, कोई भी वेबसाइट आज शुरू कर रहे हो तो 1.5 से 2 महीने आपको उस पर जम के मेहनत करनी है, कंटेंट लिखना है, यूनिक कंटेंट लिखना है, बैक लिंक्स बनाने हैं, वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ानी है, डीए बढ़ाना है, पीए बढ़ाना है, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, तब जाके 2 से 3 महीने में आप इतना ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर इनकी पोस्ट देखो आप, अगर मैं इनकी पोस्ट, कोई भी पोस्ट ओपन करके दिखाऊँ तो कंटेंट भी ऐसा कुछ खास इन्होंने नहीं डाला हुआ है, लेकिन फिर भी ये इतना ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, ठीक है। बिग बॉस 13 देखो, कंटेंट क्या है, इमेज है, उसके बाद यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, उसके बाद देखो गूगल एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करने हैं, एडसेंस की एड है, यहाँ पर देखो बिग बॉस, ये कंटेंट है, फिर ये कंटेंट है और पोस्ट खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कंटेंट बहुत कम दिया हुआ है लेकिन मेहनत करते हैं तो आपको 100% यहाँ से रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कंपटीशन कम है। अगर आप बढ़िया कंटेंट लिखेंगे तो इन वेबसाइट को इजीली बीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2-3 वेबसाइट और मैंने, अब चलो मैं इसी वेबसाइट को आपको दिखा देता हूँ, बिग बॉस टीवी शो, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट कब रजिस्टर हुई। तो सिंपली डोमेन नेम चेकर में यहाँ पर डालता हूँ मैं, और ये देखो ये वेबसाइट का दिखा देगा, वेबसाइट ये जो डोमेन है बिग बॉस टीवी शो, ये सिर्फ 7 महीने पुराना है, ठीक है। 2019-2023 यानी कि 23-2-2019 को ये डोमेन रजिस्टर हुआ था, और यहाँ पर काम इन्होंने उसी दिन से शुरू कर दिया बिग बॉस पे, जो इतनी सारी पोस्ट लिख दी क्योंकि पता था कंपटीशन कम है, इजीली रैंक कर सकते हैं। 3 से 4 महीने काम करा इन्होंने, रिजल्ट की टेंशन नहीं क्योंकि इन्हें पता था कंपटीशन कम है, इजीली रैंक हुआ। यहाँ पर देखो 3 से 4 महीने कुछ भी ट्रैफिक नहीं था, उसके बाद ट्रैफिक यहाँ पर जो बूस्ट हुआ है, मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ में ट्रैफिक गया है। तो ये होती है पावर माइक्रो निश ब्लॉगिंग की। तो आपको क्या करना है, एक लो कंपटीशन माइक्रो निश सिलेक्ट करना है। कैसे, एक कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, कैसे माइक्रो निश सिलेक्ट करते हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस वेबसाइट के कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड पर ये रैंक हो रही है, तो मैं इसे सिंपली फ्री टूल यूज़ करने वाले हैं, मैं सिंपली इसे ऊपर सजेस्ट में डालता हूं, कंट्री इंडिया सिलेक्ट करता हूं, यहां पर से सर्च पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर दिखा देगा कितने यहां पर जो है इसके कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड पर ये रैंक कर रही है, और बड़े बड़े कीवर्ड्स पर ये जो है वेबसाइट रैंक कर रही है। तो अगर मैं और दिखाऊं तो इससे रिलेटेड मुझे और भी कुछ ऐसी वेबसाइट मिली जो काफ़ी पहले से चल रही है, एक जैसी है tamilglitch.in, ये भी देखो पूरी बिग बॉस के ऊपर है, सारे बिग बॉस इवेंट कवर करे हुए हैं इन्होंने। अब इसका ट्रैफिक मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखो, यहाँ पर ट्रैफिक कितना कम था, और जून जुलाई अगस्त से ट्रैफिक कितना बूस्ट हुआ। इस वेबसाइट पर मंथली 3.24 मिलियन का ट्रैफिक है, डेली का ट्रैफिक है यहाँ पर 1 लाख से ऊपर। अगर मैं आपको यहाँ पर सिमिलर वेब में भी दिखाऊं यहाँ पर इस वेबसाइट का ट्रैफिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो मई में ट्रैफिक था 1 लाख के आसपास, ठीक है, उसके बाद अप्रैल में ट्रैफिक आया 5 लाख, फिर मई में आया यहाँ पर 102K, उसके बाद जून में था यहाँ पर 241K, और यहाँ पर देखो जुलाई में इतना बूस्ट हुआ, जुलाई में 3.5 मिलियन ट्रैफिक आया है वेबसाइट पर, और उसके बाद यहाँ पर अगस्त में 3.25। ऐसी अगर ये एक दूसरी वेबसाइट दिखाऊँ, whattamilbigboss.com, ये भी एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इस पर देखो यहाँ पर सभी जो माइक्रोनिश ब्लॉग बनाए हुए इन्होंने, और जो है 3 से 4 महीने मिल जम के इन्होंने मेहनत करी, और रिजल्ट इनके सामने है, देखो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक्स, लैक्स ऑफ ट्रैफिक्स हैं यहाँ पर वेबसाइट पर। अब ये जो है आई एम डैम श्योर 1.5 से $2,000 पर मंथ अर्न कर रहे होंगे, ये देखो इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखो, मार्च में क्या ट्रैफिक है, कुछ भी नहीं, 1,000 ट्रैफिक मंथली, ठीक है, अप्रैल में 894, मई में 2,000 ट्रैफिक, उसके बाद जून में देखो 4,000 ट्रैफिक, उसके बाद एकदम से बूस्ट हुआ क्योंकि मेहनत करी है यहाँ पर, जुलाई में देखो 7 लाख ट्रैफिक, और अगस्त में यहाँ पर 1.64 मिलियन।
तो ये होती है माइक्रो निश ब्लॉगिंग की पावर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने ऊबर सजेस्ट में डाला, तो यहाँ पर देखो इसके कीवर्ड कितने तगड़े तगड़े कीवर्ड पर ये वेबसाइट यहाँ पर रैंक हो रही है। तो ये देखो bigbossTVshow.com डाला, बिग बॉस वोट सबसे बड़ा कीवर्ड है, 1 मिलियन का सर्च वॉल्यूम है, पोजिशन 6 पे ये रैंक हो रही है, एस्टिमेट विजिट इतने आ रहे हैं, SEO डिफिकल्टी 48। तो ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। आपको शुरू में जो है लॉन्ग कंपटीशन वाले, शुरू में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड टारगेट करोगे, और अगर वो रैंक हो जाते तो ईजिली आपके जो है हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड पर भी आप रैंक होगे। उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है, इन्होंने स्टार्टिंग में लो कंपटीशन वाले कीवर्ड फाइंड आउट करे, उन पे पोस्ट लिखी, तो उसके बाद ये जो है शॉर्ट कीवर्ड पर भी रैंक कर रहे हैं इजीली। तो यहाँ पर से आप इन वेबसाइट को डालो ऊबर सजेस्ट में और यहाँ से जो है लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पर SEO डिफिकल्टी देखो 9, इसका बिग बॉस वोटिंग रिजल्ट, इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हो, 12,000 सर्च वॉल्यूम है, एस्टिमेट विजिट, कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर देखो 9 है, काफी सी, जो यहाँ पर 15 या 20 से नीचे है उन सभी कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हो, जैसे वूट ऐप बिग बॉस मराठी, वूट बिग बॉस मराठी, तो ये सारे कीवर्ड आप टारगेट करो, इन पर पोस्ट लिखो, यूनिक पोस्ट, और इन सभी वेबसाइट को कंपेयर करो, इनसे बढ़िया आपको पोस्ट लिखनी है। अब जैसे बिग बॉस 13 आ रहा है, तो यहाँ पर आपके जो नए कंटेस्टेंट आएंगे, तो आप इस पर कैसे काम कर सकते हो, जैसे जो भी कंटेस्टेंट आएंगे उनकी बायोग्राफी आप सबसे पहले पोस्ट कर दो, उसके बाद जो भी डेली का जो शो में होता है या किसी की कोई कंट्रोवर्सी है, किसी से लड़ाई हो गई बिग बॉस में, तो वो सारी आप जितनी ज्यादा पोस्ट लिखोगे, क्योंकि इवेंट ऐसा है, यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पब्लिश करना है और उसको थोड़ा बहुत प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे और बैकलिंक बनाने, तो आपकी वेबसाइट 100% रैंक होगी। तो आपको इस इवेंट में काम कैसे करना है, जो भी एक छोटी से छोटी एक्टिविटी होगी बिग बॉस में उसके ऊपर आपको पोस्ट लिखनी है, चाहे किसी की लड़ाई हो जाए या कोई नया कंटेस्टेंट आए उसकी बायोग्राफी लिखो, सलमान खान के बारे में लिखो, या जो कुछ भी आपको मिलता है, जो जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, मेन बात है आपको कीवर्ड रिसर्च करके, पूरा सर्च करके जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहां पर कंटेंट लिखना है, और उसको फिर शेयर करो, सबसे ज्यादा फेसबुक पे शेयर करो, कोरा पे शेयर करो, कोरा का डेफिनेटली यूज करो, पिंटरेस्ट पे शेयर करो, और आप देखना, आई एम गारंटेड यू, आपका जो है वेबसाइट इजीली रैंक कर जाएगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा कम है, और अभी तो बिग बॉस सीजन 13 हिंदी आने वाला है, तो उसके सर्चेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और अगर ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप सबसे पहले उसके ऊपर पोस्ट डालते तो 100% रैंक होगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भाई आपने इमेज वेबसाइट बनाई थी, मैंने इमेज वेबसाइट भी शुरू कर दी, आपने इवेंट ब्लॉगिंग बनाया था, मैंने इवेंट ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी, आपने माइक्रोनिश ब्लॉग बताया था, मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया, और मेरा कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ और फ्यूचर में भी देता रहूँगा, बट आपको एक चीज़ को लेके चलना है, ये नहीं कि आप जो भी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगी। एक चीज़ को पकड़ के चलो जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो, चाहे वो इवेंट ब्लॉगिंग हो, चाहे वो माइक्रोनिश ब्लॉगिंग हो, चाहे वो इमेज वेबसाइट हो, जिसमें बेस्ट कर सकते हो उसको पकड़ के चलो, 3 से 4 महीने मिल के जम के उस पर मेहनत करो, आपको जो है 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं कि जो भी मैं बताता जा रहा हूँ आप सब पे काम करते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। एक चीज़ पकड़ के चलो जिस पे आप जम के मेहनत कर सकते हो, उस पे काम करो, उस पे कंटेंट लिखो, उस पे बैकलिंक बनाओ। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वेबसाइट के बैकलिंक अगर मैं आपको HRF में चेक करके दिखाऊँ, तो सिंपली मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से, और बैकलिंक यहाँ पर इसका डाल देता हूँ, चेक करते हैं बैकलिंक कितने हैं इस वेबसाइट के, ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं कि अपनी वेबसाइट के लिए कैसे बैकलिंक बनाने हैं, कहाँ से आपको बैकलिंक मिलेंगे, तो वो भी आप यहाँ से जैसे HRF में डालो या फिर ऊबर सजेस्ट में डालो, और यहाँ से जो भी लिंक मिल रहे हैं इन सभी को फॉलो करो, यहाँ से आप बैकलिंक बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैकलिंक कितने हैं, 15,000 बैकलिंक है सिर्फ, 344 रेफरिंग डोमेन है। तो यहाँ से देखो जो भी बैकलिंक मिल रहे हैं, जहाँ से भी अगर किसी से नहीं मिला, तो इतनी सारी 15,000 में से अगर यहाँ से आप 1,000 बैकलिंक भी बना लेते हो तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपको बैकलिंक्स की पूरी लिस्ट चाहिए तो आप चैनल पर जाओ, चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, लिंक बिल्डिंग प्लेलिस्ट, जिसमें 22 वीडियोज़ हैं। इसमें मैंने हाई DAPA वाली वेबसाइट की बैकलिंक साइट्स की लिस्ट दे रखी है, वहाँ से जाके बैकलिंक बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो ये एक वेबसाइट है, इस पर इन्होंने बैकलिंक बनाया हुआ है। अब मैं एंकर टेक्स्ट देखूँ, ये जो है bigbossTVshow.com, अब अगर मैं इसे सर्च करूँ कि bigbossTV, तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है एंकर टेक्स्ट। तो आपको अगर आप चेकआउट करना है कि कौन से कीवर्ड पर इन्होंने बैकलिंक बनाया, तो सिंपली Ctrl+U आप प्रेस करना, या फिर व्यू पेज सोर्स पर करना, व्यू पेज सोर्स आ जाएगा, उसके बाद Ctrl+F प्रेस करो और यहाँ पर आप सर्च करो bigbossTVshow, ठीक है। अब ये देखो ये रहा इनका URL,
अब इन्होंने जो है एंकर टैक्स दिया है इस, ये जो है बिटली यूआरएल पर, ठीक है। तो इसे सिंपली कॉपी करो आप और फिर से इस पेज पर आ जाओ, कंट्रोल एफ करो और सर्च करो, ये मिल गया। देखो ये है, यहाँ से इन्होंने टी टू टायर बैक लिंकिंग करी हुई है, देखो इस पर ये बैक लिंक बनाया हुआ है। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो वेबसाइट है bigbossTVshow.com ये ओपन हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इस वेबसाइट का, आप देख सकते हैं DA 17 है, PA 36 है, PAM score 9% है, वेबसाइट थोड़ी बेकार है। पर अगर देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इनकी वेबसाइट ये जो बिग बॉस टीवी शो ये ओपन हो गया आ जाएगी। तो कमेंट बैक लिंक, अब काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कमेंट बैक लिंक काम नहीं करते, कमेंट बैक लिंक काम करते हैं, आपके सामने लाइव प्रूफ है तभी इनकी पोस्ट रैंक करी। और अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी बैक लिंक्स इनके ज़्यादातर कमेंट बैक लिंक होंगे या फिर प्रोफाइल क्रिएशन होगा, गेस्ट पोस्ट आपको एक भी नहीं मिलेगी, मुश्किल से हार्डली 1 से 2 मिलेंगी, और फोरम बैक लिंक्स, कमेंट बैक लिंक्स, प्रोफाइल क्रिएशन, यही सब आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कैसे माइक्रोनिश ब्लॉगिंग को टारगेट करना है, कैसे लो कंपटीशन सर्च करने, मैंने आपको सब बता दिया। अगर कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, वहाँ से आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो, मैं नहीं तो कोई और आपको डेफिनेटली आंसर देगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, ऐसी अमेजिंग ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।